हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप सभी के लिए एक और शेयर पर चर्चा करने जा रहा हूं, जिसका नाम है विकास लाइफ केयर लिमिटेड। उससे पहले उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार अपने ज़िंदगी को खुशहाल पूर्वक जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखे हैं ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। और एक आवश्यक सूचना, मैं वीडियो बनाता हूँ नॉलेज पर्पस, इन्वेस्टमेंट का कोई भी मेरा सलाह नहीं है। तो चलते हैं दोस्तों, विकास लाइफ केयर लिमिटेड। प्लास्टिक, सिंथेटिक और प्राकृतिक रबर इन्फ्रा, कृषि उत्पादों, FMCG उत्पादों आदि के पॉलीमर, रबर यौगिकों और एडिटिव्स का व्यापार और निर्माण करता है। तो इसका कामकाज क्या है वो समझ में आ गया। एक और मुख्य बिंदु है, BLL के पास मैंगलोर में 1000 टन प्रतिदिन की स्थापित क्षमता के साथ काजू प्रसंस्करण सुविधा है। कंपनी ने TMT बार और HDPE पाइप सहित बुनियादी उत्पादों के व्यापार में विविधता ला दी है। इसके अलावा कंपनी का एक प्रभाग कृषि उत्पाद व्यवसाय से जुड़ा हुआ है और NAFED नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया और HOFED उत्तर प्रदेश हॉर्टिकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन के साथ सूचीबद्ध है। वर्तमान में कंपनी ने कच्चे माल B2B व्यवसायों से परे अपने व्यावसायिक हितों में विविधता ला दी है। जो मुख्य बिंदु है वही मैं पढ़ रहा हूँ। राजस्व ब्रेकअप फाइनेंशियल है 2022, यानी कि 2022 का फाइनेंशियल ईयर के बारे में बताया गया है। कंपनी ने ट्रेडिंग डिवीज़न पॉलीमर्स से 6%, ट्रेडिंग डिवीज़न एग्रो से 51%, मैन्युफैक्चरिंग डिवीज़न पॉलीमर से 10%, ट्रेडिंग डिवीज़न इंफ्रा से 18%, यानी कि 18%, गैस मीटर की ट्रेडिंग से राजस्व उत्पन्न किया 2% और अन्य आय 13%। तो चलते हैं दोस्तों इसके कुछ और डाटा पर। इस कंपनी का मार्केट कैप करेंट में अभी 790 करोड़ है। करेंट प्राइस 5.50 रुपये, जो कि 5.25 रुपये से ऊपर और 6 रुपये तक ये अप डाउन कर रही है। 52 वीक का हाई लो 7.05 रुपये कुछ दिन पहले ही हुआ है और 2.66 रुपये। बुक वैल्यू 2.31 रुपये। ROE माइनस में है। इंटरप्राइजेज वैल्यू 811 करोड़ का। जैसा कि आपको चार्ट दिख रहा होगा, तो चार्ट देखने से हो सकता है कि अभी कुछ दिन ये कंसोलिडेट करे, लेकिन क्वार्टर का रिजल्ट आते ही या आने से 2-4 दिन पहले से ही ये अप ट्रेंड बन जाएगा, क्योंकि सबका उम्मीद है जैसा कि प्रोज में दिखाया गया है, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री, यानी कि कंपनी डेब्ट फ्री हो चुका है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव क्वार्टर गुड, यानी कि गुड क्वार्टर, यानी कि क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आने की उम्मीद है। और कॉन्स जो है वो कोई ख़ास नहीं है, ये छोटी छोटी कंपनियों में तुरंत में प्रमोटर होल्डिंग बढ़ जाती है, तो ये आम बात है। और प्रमोटर होल्डिंग जो डिक्रीज की थी लास्ट 3 ईयर्स में -43.9%, ये कौनस था। ईयर कंपैरिजन, यानी कि या तो ये सब कंपनी के बराबर होगा ये कंपनी और नहीं तो उससे कम वैल्यूएशन में होगा। तो जैसा कि अडानी इंटरप्राइजेज, मैनकाइंड फर्मा, इस तरीके से
टोटल 105 कंपनी है, कुछ का स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वार्टरली रिजल्ट इसका अच्छा ही आया था, नेट प्रॉफिट 12 करोड़ का और 8 पैसे ईपीएस बताया था। लास्ट 12 मंथ का माइनस में नेट प्रॉफिट माइनस 6 करोड़ का और ईपीएस माइनस 5 पैसा। बैलेंस शीट तो रिजर्व इसके पास अभी ठीक ठाक है, 187 करोड़ का है और टोटल एसेट 455 करोड़ का हो चुका है। कैश फ्लो प्लस में है 4 करोड़ का, उससे पिछले ईयर्स यानी कि 2022 में 8 करोड़ का था कैश फ्लो। शेयर होल्डिंग पैटर्न तो कंपनी प्रमोटर के पास में 11.40% है और FIH के पास में 0.02%, यानी कि नहीं के बराबर, और पब्लिक के पास में काफ़ी ज़्यादा है, 88.59%। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स अगर देखते हैं, यानी कि कितना आदमी इस कंपनी के शेयर को रखे हुए हैं, तो 4,51,287 और इसमें न्यूज 10 सितंबर वाला ही है, अभी करंट न्यूज कुछ भी आया नहीं है। एनुअल रिपोर्ट जो जारी किया था उसी के बारे में बताया गया है। धन्यवाद दोस्तों।